गाइस आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी के लिए मैं दही फेंट रही हूँ। मेरा ये एक पाव दही है, मैं इसे फेंट रही हूँ। मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड करूँगी, एक चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, मैं भी मिक्स करूँगी। इसमें मैं नमक डालूंगी एक चम्मच पूरा। हम सबको मिक्स करने के बाद मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी, फिर इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। आपको छोका दिखाऊंगी कैसे करना है। ये बेसन है, ये मैंने एक पाव से कम बेसन यूज करूंगी। मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूं, एकदम पतला घोल बना लूंगी। सारी तैयारी मैं इसमें कर चुकी हूँ। गाइस मैं इसमें जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्ची है मेरी 5, धनिया है हरा और मेथी है, इसका तड़का दे दूंगी। हिंग का तड़का बाद में दूंगी, थोड़े से जीरे का तड़का। जो मैंने तड़का डाल करा है उसमें जो मैंने घोल तैयार करा है बेसन और उसका दही का, वो मैंने तड़के में डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे चलाऊंगी, तब तक उबाल आ जाए और ये चलाते रहना है, उसे रोकोगे तो ये फट भी जाता है। ये मेरे 8 से 10 लहसुन है, मैं इसे कढ़ी में डालूंगी जिससे इसका कढ़ी का टेस्ट अलग से हो जाएगा। और देखिए मेरी कढ़ी में उबाल आ गया है। अब कढ़ी में उबाल आ गया, मैं लहसुन डालूंगी। ये मैं लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दूंगी। गाइस मैंने पालक ले लिया है आधी किलो काट के पकौड़े के लिए, और इसमें 4 प्याज डाली हूँ, इसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब उसके पकौड़े बना के कढ़ी में डालूंगी, और देखिए मेरी कढ़ी में कितना, मेरी कढ़ी बनने को तैयार है। पकौड़े डालने हैं मुझे। ये मैं बेसन डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची 1/2 चम्मच, पाउडर अजवाइन थोड़ी सी, अजवाइन थोड़ा सा, जीरा थोड़ा सा, काला नमक, अमचूर मसाला। मैं मिक्स कर रही हूँ।
मैं इसे बेसन और ऐड कर रही हूँ, बेसन कम है इसमें, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। घोल तैयार है मेरा पकौड़े का, अब मैं पकौड़े उतारूंगी। ये मैं पकौड़े के लिए तेल चढ़ा रही हूँ, अब मैं पकौड़े उतारूंगी। मैंने कढ़ी में पकौड़े डाल चुकी हूँ, अभी मैं बाकी थोड़े से और बता देती हूँ। बस एक जीरे का और हींग का चॉप और देना मुझे। गाइस मैं इसमें हींग और जीरा और थोड़ी सी अजवाइन का पकौड़ा दे रही हूँ। चॉप कभी भी दो तो ढक्के दो जिससे इसकी स्मेल ना जाए। ये मेरी कढ़ी तैयार। गाइस मेरी कढ़ी तैयार है, देखिए गर्मा गर्म पूड़ी के साथ और पकौड़ों के साथ। मिर्ची के पकौड़े कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सादा मिर्ची के साथ बनाए हैं। अब मैं आपको अगली रेसिपी के साथ मिलूंगी। बाय बाय गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।